नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। आज दी सड़कनामा डॉट कॉम की चुनाव यात्रा सिरसा लोकसभा क्षेत्र में है। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा के इसारिया बाजार में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि हरियाणा के पूर्व मंत्री रहे गोपाल कांडा है, जो हरियाणा लोक हित पार्टी के सुप्रीमो हैं। उन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी अपने कार्यकर्ताओं की और फैसला लेना था कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा लोक हित पार्टी है वो किस उम्मीदवार का समर्थन करेगी। खास करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, आप सबका मत जानने के लिए, आप सबका मन जोड़ने के लिए भाई साहब ने आप सबको बुलाया। ये सरकार मौजूदा किसी बनाई ने नहीं, चाहे नोटबंदी ने आपको लाइन पे लगा दिया, चाहे इन्होंने जीएसटी लगा के व्यापार को टैक्सलेस कर दिया। ये सरकार मात्र और मात्र अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए बार बार मोदी हर बार मोदी आपके दिमाग में फिक्स कर दिया। कृपया करके इससे बचे, अपनी बुद्धि बल से, अपनी इच्छा शक्ति से और स्वयं विचार का। मुझे किसी की बात नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपकी।
पर मैं ये कहूंगा कि आज जिस तरह सभी पार्टियों ने मुझसे सैनी साहब ने कहा, मंच पर विराजमान मेरे सभी साथियों ने कहा, क्योंकि आज हमारे सारे पंच सरपंच मेंबर पार्षद एमसी मेरे भाई मेरे बुजुर्ग शहर के तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता सब आपके सामने हैं। सबकी सोच ये है कि भाई साहब जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं उनकी सोच के साथ हमें जाना है। मैं आपसे ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में दूसरी नहीं होगी जो खुल्ला खुल्ला अपने ऑफिस में आप सबको बुलाकर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताओ हमें किस पार्टी के साथ जाना चाहिए। मुझे आपकी सोच के साथ जाना है, मुझे आपके साथ जाना है, क्योंकि आज अगर हरियाणा लोकहित पार्टी का वजूद है, आपके भाई गोपाल और गोविंद का कोई वजूद है, तो मैं ये मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से है। हमें सिर्फ जो हमारा हमारे प्रदेश का हमारे शहर का हमारे गांव का जो भला कर सके, हमारे लोगों के जो काम हो, हमें उस पार्टी के साथ जाना है। सिरसा के आए हुए मेरे सभी साथियों को ये अगर उन्होंने गोपाल और गोविंद के साथ ये कहा है कि हम हैं, तो सदा सदा के लिए गोपाल गोविंद उसका परिवार साथियों के साथ करमन धर से खड़ा है। जहां आपका मन करे, जहां आपकी सोच, जहां आपका मन है, वहां मैं आपके साथ हूं। इस इलेक्शन के देश का चुनाव है और प्रदेश का चुनाव है और आपकी सोच का चुनाव है। क्यों मैं ये फैसला इसलिए ले रहा हूं कि मैंने कल से परसों से 10 दिन से बहुत गांव में बहुत अपनों से बहुत अपने साथियों से कि नाली में थारे सा गया पर अब की बार मारो मन कुछ यूं है, मारो मन कुछ यूं है, तो भैया थारो मन यूं है तो मेरो मन भी यूं ही है। वो कहते ना पंजाबी से मुखरी गल है कि किसी तुसी दिते हो मैं हो गई हूं बस। तुसी अपनी सोच ना क्यों बोल रहे होगे, जो सोच समझ के आप फैसला करोगे वो आपके भाई को मंजूर है, पर आने वाला वक्त हरियाणा लोकहित पार्टी का और आपका है। आपने इतना मान सम्मान और प्यार दिया है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश में किसी नेता को इतना मान सम्मान और प्यार मिला होगा, क्योंकि हम लोग एक पार्टी से नहीं एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। मैं किसी भी सदस्य को नाराज नहीं कर सकता क्योंकि अपना कैंडिडेट हरियाणा लोकहित पार्टी ने खड़ा नहीं किया। तो आप अपनी सोच से अपनी समझ से जो सबकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में यही आया कि मुझे इसी फैसले पे पिछली बार की तरह कि हमने आप लोगों के ऊपर छोड़ा कि आप अपने हित से अपने लिए फैसला लें। अब की बार भी मेरा सभी साथियों को ये निवेदन है, ये प्रार्थना है कि बहुत सोच समझ कर जो आपकी सेवा कर सके आप उसी को वोट दें। मैं आपकी सोच के साथ और आपके साथ हमेशा हूं। आप गोविंद गोपाल के साथ हैं तो गोविंद गोपाल भी आपके साथ हैं। देखो ये जो आपने अभी बोला कोई पुरुष कोई पुरुष, इसीलिए ये फैसला मैंने लिया कि मैं एक भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है देश के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में, अगर आपका साथी कोई अगर आप उतारते तो बात अलग होगी। इसीलिए मैं किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता, किसी को बांधना नहीं चाहता, किसी के ऊपर ये नहीं कहना चाहता कि गोपाल और गोविंद ने जिनको हमने ताकत दी है उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। मैं आपके साथ हूँ और सदैव सदैव आपके साथ रहूंगा और सिरसा की जनता जिस तरह मुझे उन्होंने विश्वास दिया है, धन 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 से आपकी सेवा की है और आपकी सेवा करेंगे और आने वाला वक्त हरियाणा लोकहित पार्टी का होगा। जय हिंद जय भारत। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।